भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं कृष्णा। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश आना ही होगा। पंजाब की मोहाली कोर्ट ने मेडिकल बोर्ड गठन की मांग को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मुख्तार अंसारी मामले में किसी मेडिकल बोर्ड की जरूरत नहीं। दरअसल मुख्तार यूपी आने से बचने के लिए तमाम जुगत लगा रहा है और इन तमाम हथकंडे में उसने अपना आखिरी दाम चला था, जिसकी तबीयत ठीक नहीं है। ऐसे में उसने मेडिकल बोर्ड के गठन की मांग कर दी थी, लेकिन कोर्ट ने उसकी एक ना सुनी और उसके इस दाम को पलट दिया। कोर्ट ने कहा कि उसे कोई नई बीमारी नहीं है तो उसे ऐसी राहत नहीं मिल सकती। तो देखिए कि किस तरह की कोशिशें थी, लेकिन धक्का लग गया। कोर्ट ने मोहाली जेल के सुपरिटेंडेंट से यह भी कह दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करें। अब सवाल ये उठता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। तो आपको बता दें कि यूपी के बाहुबली मुख्तार अंसारी के मुकदमे और कस्टडी ट्रांसफर पर सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च को अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुख्तार अंसारी को 2 हफ्ते के अंदर उत्तर प्रदेश की जेल में शिफ्ट करना होगा और ये एक बड़ी जीत थी योगी सरकार के लिए। हालांकि यहाँ पर तमाम कोशिशें बचाव की गई थी। पंजाब सरकार ने कोर्ट में अंसारी को यूपी सरकार की हिरासत में देने से इनकार कर दिया था और पंजाब सरकार ने इसका कारण वही बताया था कि मुख्तार अंसारी की सेहत को लेकर यहाँ पर दलीलें दी गई थी। पंजाब सरकार की दलीलों से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं हुई थी और मुख्तार अंसारी को यूपी शिफ्ट करने का आदेश दे दिया था। तो आपको ये बता दें कि बाहुबली मुख्तार अंसारी आखिर वांटेड कितना है, कितना बड़ा ये बाहुबली है। तो यूपी में हत्या, अपहरण और एक्सटॉर्शन जैसी दर्जनों संगीन वारदातों के मामले इस पर दर्ज हैं और फिर चाहे आपको 2005 के मऊ हिंसाकांड की याद हो, उसका ये आरोपी है। बीजेपी नेता कृष्णानंद राय की हत्या का ये आरोपी है और योगी सरकार पिछले काफ़ी वक्त से इस पर शिकंजा कसने की कोशिश में जुटी हुई है और एक बड़ी कामयाबी फिर से योगी सरकार को मिल गई है। तो इस मामले पर काफ़ी सियासत भी हुई, जैसा आपने देखा कि किस तरह से बीजेपी की तरफ से कांग्रेस और पंजाब सरकार पर आरोप लगाए गए कि ये बाहुबली को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस पर विपक्ष ने भी योगी सरकार पर कई पलटवार किए थे। इन सबके बीच में सबसे बड़ी बात तब सामने आई थी कि मुख्तार अंसारी की पत्नी एक खत लिखती है और उसमें एनकाउंटर की आशंका वो जाहिर करती है। वो कहती हैं कि जब पंजाब से यूपी शिफ्ट किया जाएगा मुख्तार को, तो हो सकता है कि एनकाउंटर में उसे मार दिया जाए और इसको लेकर उन्होंने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी लिखी थी। लेकिन तमाम कोशिशें धराशायी हुई हैं। अब ये तय हो गया है कि मुख्तार अंसारी यूपी शिफ्ट होगा।